ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स में मैं कौशिक सरकार आप लोगों को प्यार खींचे चले जाए यूट्यूब वीडियो में। जैसे कि आज सुबह मैं मॉर्निंग अपडेट में आपको भेजा था आज की कैंडल के ऊपर नजर रखे। अब देखिए आगे मैं बात करूंगा आज का कैंडल कैसे बना है और कल के लिए क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए दोस्त ज्यादा बात ना करते हुए सीधे चलेंगे हम चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कैसे लेवल था। और मैं उससे पहले प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा हूँ कि आपको कल के लिए ये लेवल के ऊपर बहुत क्लियरली ध्यान देना है। अगर मार्केट ओपनिंग हो जाता है 14,975 के ऊपर तो आपको यहाँ से एक पॉजिटिवनेस आ सकता है। ध्यान दीजिएगा ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए एक तरफा मार्केट बनने के लिए। क्लियरली ध्यान दीजिए एक तरफा मार्केट बनने के लिए ओपन इक्वल टू लो, अदरवाइज ओपन इक्वल टू हाई बनना चाहिए जो भी हो, राइट। और यहाँ पे आज का वीडियो में मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिन लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा, आपको हो सकता है 80-85% एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो चलिए अभी क्या देखते हैं, जो रेसिस्टेंस लेवल है जो अपसाइड लेवल है 14,975, इसे अगर ब्रेक करके ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस तरीके से कंडीशन बनता है तो यहाँ से फर्स्टली लेवल बन सकता है 15,000, जो कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पे ही बना सकता है। ओके एंड यहाँ से फिर जैसे घुमाता है आपको पूरा दिन निफ्टी ऐसे घुमा भी सकता है, घुमा के अगेन अगर यहाँ से मूव देता है तो आपको 15,050 तक निफ्टी का हाई लेवल जा सकता है। क्लियर चार्ट है, क्लियर व्यू है, क्लियर एनालिसिस है, राइट। अगर निफ्टी इसका 14,860 इसका लो पे ओपन होता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब थोड़ी सी गैप अप या थोड़ी सी गैप डाउन। अब गैप अप होने से किस लेवल के ऊपर एंड गैप डाउन होने से किस लेवल के नीचे, ये मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे 14,860 इस लेवल से नीचे अगर ओपन होता है और ओपन इक्वल टू हाई अगर बन जाता है तो यहाँ से जो निफ्टी का गिरावट आ सकता है वो आ सकता है 14,770। ध्यान से सुनिएगा लेवल को, अगर सिर्फ आप इस लेवल को ही देखेंगे आई थिंक आपको किसी को टेलीग्राम चैनल देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त ध्यान दीजिए अगर निफ्टी का ओपनिंग 14,900 के करीब ऐसी जगह पे कोई बनता है और एक सुबह सुबह एक लो आता है तो लो का सपोर्ट ले सकता है 14,870 के पास, जो मैं यहाँ पे लेवल दिया हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट बन सकता है तब। और ये सपोर्ट बन के इस सपोर्ट से लेके ये बाउंस बैक हो सकता है। ये जो फुल एनालिसिस है, ये एनालिसिस जो हमारे अंडर कोर्स कर रखे हैं उनको क्लियर समझ में आता है कि मैं ये वीडियो इस लेवल पे क्यों बना रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। तो जिन लोग हमारे स्टूडेंट है क्लियर इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसी हिसाब से बॉटम मिलने पर बाई, जैसी टॉप आता है एग्जिट, सॉरी फॉर द डे, आज जो मैं निफ्टी में कॉल दिया था उसमें दो कॉल मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो ऐसे दिन अगर जिस दिन आता है मुझे बहुत ही खराब लगता है, बहुत ही शर्मिंदा आता है, तो मैं इस दिन के लिए सॉरी। ओके चलिए कोशिश करूंगा कल बेहतरीन कॉल आप लोगों को प्रोवाइड करने का। नेक्स्टली चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ क्या क्या लेवल आपको दिया हूँ, 33,000 और 33,125 सपोर्ट के लिए, 33,000 33,050 ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब मैं आगे डिटेल्स में आज बताऊंगा कुछ स्टॉक का, निफ्टी हैवी वोल्टेज का स्टॉक का व्यू किस तरफ है, कौन सी सेक्टर आगे अच्छा जाने वाला है, ये भी मैं आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो शॉर्टली मैं पूरा ब्रीफ करूंगा। ओके तो 33,000 एंड 33,050 ये सपोर्ट है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 32,810। देखिए किसी लेवल को सपोर्ट या रेसिस्टेंस अगर मानेंगे तो ये नहीं है कि सीधा एक सेकंड के लिए गया और टच किया और वहां से नीचे आया। आप बोलेंगे सर ये तो टच हो गया था 32,800 लेकिन उससे नीचे क्यों नहीं गया, लेकिन ये देखिएगा ये नहीं कि एक मिनट के लिए आया और यहाँ से वापस हो गया। अगर एक मिनट के लिए आया और वापस हो गया तो हमारा जो सपोर्ट है वो 100% काम कर रहा है। ओके तो अब जाने के लिए मैं आपको बताऊंगा मिनिमम 33,250 से ऊपर सस्टेनेबल होना है तब निफ्टी आप जा सकता है। आप बोलेंगे सर हमने कॉल ऑप्शन बाइंग कर रखे, अब बताओ क्या प्राइस होगा। मैं कभी भी ओवरनाइट नहीं करता हूं, ना ही मैं ओवरनाइट करने का सलाह देता हूं, लेकिन आप अगर कॉल पोजिशन बाइंग किए हैं तो हम चार्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या रह सकता है। अगर आप पुट पोजिशन बाई किए हैं तो वो भी हम देखेंगे चार्ट में क्या हो सकता है। ओके कहां तक थोड़ी सी चांसेस है ऑप्शन चेंज देखने के बाद। मैं नेक्स्टली लेवल यहां पे मैं ड्रॉ कर दिया हूं, अगर डाउनसाइड शुरू हो जाता है तो अच्छा खासा धीरे धीरे ये डाउनसाइड दिखाई दे सकता है। अगर अपसाइड 33,250 को ब्रेक करता है तो नेक्स्टली जो लेवल यहां पे जाना चाहिए वो 33,440, ये फर्स्टली रेसिस्टेंस बनेगा। अगर तेजी से यहां पे पहुंच जाता है तो यहां से ये डाउन होगा, क्लियर डाउन होगा, डाउन होकर 33,250 के पास सपोर्ट लेके फिर से अगर ब्रेक होता है तो 33,600।
ध्यान में रखिएगा, जो मैं आप बता रहा हूं, जो रेसिस्टेंस बता रहा हूं, वहां पे अगर तेजी से पहुंचता है तो बिल्कुल वहां से डाउन होगा, डाउन कुछ पॉइंट होके फिर ऊपर जाता है। ये जो चक्कर होता है, ये चक्कर हमें समझ में नहीं आता है, जिसके वजह से हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं ले पाते। चलिए, ये हमारा फुल टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म था। जो मैं अभी समझाने लगूंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ओके राइट। तो अभी चलिए हम चलते हैं, जो कैंडल बन रहा है, हर रोज एक गैप आपके साथ ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाई शिफ्टिंग हो रहा है, लो शिफ्टिंग हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन बनते बनते कल का दिन में अगर मान लो ये कंडीशन बना दिया, या तो फिर ये कंडीशन बना दिया, तो क्या होगा, आगे से डाउन होगा मार्केट। अगर मान लो कल के दिन में ऐसे कंडीशन बनाया और इसका ऊपर जाने का कोशिश किया, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो यहां से फिर से निफ्टी नॉनस्टॉप आगे भाग सकता है, राइट ओके। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम दो दिन, देखिए दो दिन सेम कंडीशन, ओके आज भी सेम कंडीशन, राइट। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो इंडियन रुपीस, इसका जो एनालिसिस रहता है, इसमें एनालिसिस में क्या है, देखिए अगर हमारा रुपीस का वैल्यूएशन गिर जाता है तो मार्केट में डाउनफॉल आता है। कल के लिए क्लियरली ध्यान दीजिए, 73.47 से नीचे अगर रुपया गिरता है तो इंडियन मार्केट और यहां से चढ़ेगा। अगर 73.47 इसका नीचे अगर गिरेगा तो इंडियन मार्केट चढ़ेगा, अगर 73.65 इसका ऊपर चढ़ता है तो इंडियन मार्केट गिरेगा, ओके कंटिन्यू। वैल्यूएशन एक अच्छे जगह पे आ रहा था, अब वैल्यूएशन पे चेंजेस आने का टाइम लग रहा है। अगर ये चेंजेस आ गया है तो इंडियन मार्केट यहां से गिर सकता है, यहां से फिर से अगर गिर गया है, यहां से फिर से अगर वैल्यूएशन बढ़ गया, गिर गया मतलब प्राइस गिर गया, मतलब इंडिया प्राइस रुपीस जो है वो मजबूत हो रहा है, ओके तो अगर गिर जाता है तो इंडियन मार्केट हमारा यहां से और ऊपर चढ़ेगा। ये भी एनालिसिस आपको सब क्लियर हो गया। अब मैं चलते हैं, चार्ट भी क्लियर हो गया है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, सेम वही कंडीशन है, देखिए पिछले दिन भी एक हाई जाके डाउन आया है, आज भी इस हाई जाके रुकने का कोशिश किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हैवी वोल्टेज है निफ्टी का, उनमें क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो मैं बताऊंगा, रिलायंस, रिलायंस में एक डाउनफॉल आ रहा है, तो एक रिलायंस को छोड़ के बाकी जो स्टॉक है उसमें मैं एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस देखिए अभी तक सपोर्ट पे है, अभी तक सपोर्ट पे है, लेकिन कंटिन्यू दो तीन दिन से ये रिलायंस इंफ्रा है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को 6 महीने का होल्डिंग कॉल दिया हूँ और 100% यहाँ पे आपको ग्रो हो सकता है, ओके। तो रिलायंस का क्या स्थिति है, तो रिलायंस में हम देख पा रहे हैं एक डाउनफॉल का तैयारी कर रहा है, ओके एक डाउनफॉल का तैयारी कर रहा है। तो रिलायंस में अभी भी गिरावट रह सकता है, रिलायंस का सपोर्ट क्या रह सकता है ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है थोड़ी सी लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन आप लोगों का कुछ ट्रेडिंग में हेल्प मिल जाए। इस वजह से रिलायंस का बहुत क्लियरली सपोर्ट कल के लिए रहेगा, फर्स्टली जो 1920 और रिलायंस अगर चढ़ जाता है ऊपर 1940 के ऊपर एंड 1950 के ऊपर तो मार्केट में तेजी आ सकता है। 1955 एक रिलायंस का रेसिस्टेंस कल के लिए बन सकता है। इंफोसिस एंड रिलायंस, ये दोनों जो मार्केट का हैवी वोल्टेज स्टॉक है, दोनों में एक गिरावट का सिलसिला दिखाई दे रहा है, दोनों में एक गिरावट का सिलसिला दिखाई दे रहा है, लेकिन इंफोसिस काफी दिन से इस सपोर्ट को ले रहा है। कल के लिए इंफोसिस में कौन सी सपोर्ट एंड कौन सी रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर सुबह का सेशन में एक तेजी आता है, तेजी 1346 से 1348 ये रह सकता है। अगर 1350 के ऊपर चला जाता है तो इंफोसिस में तेजी आ सकता है। अगर 1337 से डाउन हो जाता है तो इंफोसिस में गिरावट आ सकता है। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक अहमियत बैंक है, जिसके ऊपर काफी डिपेंड करता है जो बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा। तो इसमें अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट सेशन में एक तेजी आया है और जो एक रैली था, इस रैली को ब्रेकआउट किया है। तो इसको जस्ट ध्यान दीजिए कि अगर कल HDFC बैंक इस लेवल से ऊपर आ जाता है, 1430 से ऊपर आ जाता है, तो बैंक निफ्टी में भी एक तेजी आ सकता है। SBI बैंक अगर इस लेवल से नीचे आता है, यानी कि ये लेवल क्या है, लेवल है आपको 360, इसके नीचे आता है तो डाउनफॉल आ सकता है। अदरवाइज 363 के ऊपर चलने लगेगा तो फिर से एक बार 365 एंड 366 के ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके चलेगा। एक्सिस बैंक एक डाउनफॉल बना दिया है, इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो ये पॉजिटिव जाएगा, अदरवाइज इस बॉटम लेवल को ब्रेक किया तो ये डाउन आएगा। तो आप अगर बेटर एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो जो मैं ये 3-4 बैंक को यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, इन 3-4 बैंक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये 3-4 बैंक क्या करने वाला है।
इसका हाई जाएगा तो ऊपर, इसका लो जाएगा तो नीचे, आईसीआईसी बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक लास्टली जो बैंकिंग स्टॉक है, इंडसइंड बैंक भी एक अच्छे खासा तेजी दिखा रहा है। अगर इंटर डे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे तीन चार दिन से एक छोटी छोटी कैंडले बना रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है। जिस दिन ये भागता है, बहुत तेजी से भागता है इंडसइंड बैंक बैंक सेक्टर के अंदर, ये आपको पता ही होगा। तो कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है इंडसइंड बैंक का, वो है 952 को ऊपर चलेगा तो ये जाना चाहिए 962 के करीब। और उसके बाद आपको ध्यान देना है ये नेक्स्टली एचडीएफसी क्या सिनेरियो बना रहा है। तो एचडीएफसी में एक रिकवरी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक रिकवरी यहाँ से मिल सकता है। टीसीएस आईटी सेक्टर का स्टॉक है, क्लियर कट 2G बना है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको ध्यान देना है कि इस लेवल से नीचे आएगा तो आईटीसी गिर सकता है, एंड इस लेवल का ऊपर ब्रेक करेगा तो आईटीसी में फिर से एक तेजी आ सकता है। बहुत एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का कैंडल यहाँ पे बनाया है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं ऑप्शन चेन में हमें क्या स्थिति दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन चेन का मैं अभी तक नहीं देखा हूँ कि क्या स्थिति मार्केट क्लोज होने के बाद इसने बनाया है, तो आपके सामने ये ऑप्शन चेन का डेटा मैं ओपन किया हूँ। और यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो है कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो 14,900 ये क्लियर अभी के लिए सपोर्ट बन रहा है। रेसिस्टेंस के काम करे तो रेसिस्टेंस देखिए, ध्यान रखिए कल के लिए 15,000, अगर इस 15,000 को ब्रेक करेगा तभी यहाँ से और रैली दिखाई दे सकता है और 15,200 की तरफ भी मार्केट जा सकता है। लेकिन सपोर्ट के लिए 14,900 काम कर रहा है, जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें अच्छे से मिल रहा है, एंड रेजिस्टेंस के तौर पे 14,000 ये आपको रेजिस्टेंस कल के लिए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बहुत बड़ी सवाल आप लोगों का मन में है। तो वो सवाल का मैं यही कहूँगा कि मार्केट का टेक्निकल चार्ट यानी कि मार्केट थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग अगर हो जाता है, होने का चांसेस भी बन सकता है। किस लिए मैं बता रहा हूँ चांसेस बन सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो प्रीवियस तीन दिन का जो हिस्ट्री है, ठीक है, प्रीवियस तीन दिन का जो हिस्ट्री है, अब वो अगर सस्टेनेबल होता है तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट में एक गिरने का जगह आ चुका है, मार्केट का एक गिरने के जगह पे पहुंच गया है, बिल्कुल कांटे के जगह पे चल रहा है। इस कांटे के जगह अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। कोशिश कीजिए, मैं आपको यही सलाह देता हूं, जो ओवरनाइट मत कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडर जितने लोग हैं, ओवरनाइट मत कीजिए। मैं बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन में चला जाऊँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन होता क्या है, ऑप्शन चेन आपको बहुत क्लियर डेटा प्रेजेंट नहीं करता है, और ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन चेन आपको बहुत क्लियरली बताएगा नहीं कहां से कहां तक मैं रहूंगा। तो ऑप्शन चेन में जो यहाँ पे जो क्लियरनेस है वो है 33,000 का करीब मिल जाता है, तो यहाँ पे कॉल बाई कीजिए। अगर तेजी से 33,500 जाता है तो यहाँ पे पुट बाई कीजिए, ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद। ये आपको बहुत क्लियरली आज का जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आई थिंक पूरा टॉपिक को मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। सुबह में डाउजोन का जो स्थिति है वो भी मैं बताने का कोशिश किया था। तो डाउजोन की स्थिति में एक कंटिन्यू अपसाइड में चल रहा है और ये अपसाइड बने रह सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट क्या है, कोरोना का स्थिति के चलते कभी डाउन जोन को फॉलो करता है कभी नहीं फॉलो करता है। तो मैं दोनों तीनों साइड से एनालाइज करके मैं आपको बता दिया जो मार्केट का सिचुएशन कल से क्या होने वाला है, कल से मार्केट चेंज होने वाला है। ये आप क्लियर मान लेना कि मार्केट अगर 15,000 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट में और पॉजिटिवनेस आ सकता है, अदरवाइज 15,000 इज मेजर रेसिस्टेंस पॉइंट। ओके, चलिए आप लोगों को मैं काफी दिन से भारतीय एयरटेल के ऊपर ध्यान दिला रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल मेरा रेडर पे है ही है। कल के लिए जो स्टॉक के ऊपर ध्यान दिलाऊंगा वो है भारतीय एयरटेल एंड जिल, भारतीय एयरटेल एंड जिल, इन दोनों को कंटिन्यू ध्यान रखिए। जिल में यानी कि अगर सेक्टरल एनालिसिस में आए तो फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर एंड मीडिया सेक्टर, ये तीनों सेक्टर अभी परफॉर्मेंस पॉजिटिव परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा है। मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में कमजोरियां रह सकता है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ये निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है। ऑटो सेक्टर में तेजी आ सकता है। ओके, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर एंड मीडिया सेक्टर, इन सेक्टर में आप ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारा इस टेलीग्राम चैनल को जुड़े होंगे जहाँ पे स्टॉक का बेहतरीन कॉल दिया जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक या दो कॉल दिया जाता है। जिन लोग नेक्स्ट क्लास के लिए सीट बुक करे, जिन लोग 10th मई यानी कि आज के लिए सीट बुक किया था, इनको कंटिन्यू मैं 10 से 15 दिन तक हर रोज एक एक कॉल, परफेक्ट कॉल, जो कि बोलते हैं ना मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट था उनसे पूछ के देखना 100% होता है या नहीं होता है। ओके, तो ऐसे ही कॉल आपको दिया जाएगा जहां पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद 7,000 फीस के साथ सीखिए। तो आपके पास फुल्ली 15 डेज का टाइम है, नेक्स्ट बैच है 25th मई, तो 25th मई का सीट बुक करना है, तो अभी से सीट बुक कीजिए ताकि आपको रोज एक एक कॉल मिले निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, हर रोज लॉस ना करके उस एक कॉल में फिक्स प्रॉफिट करके मार्केट से प्रॉफिट निकाल के खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए जय हिंद जय भारत।